मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत मध्य प्रदेश के देवास में पहला मामला दर्ज हुआ है, जिसमें कोर्ट के बाहर नाराज शोहर ने पत्नी को 3 बार तलाक बोल दिया, जिस पर सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सिविल लाइन थाना पुलिस के अनुसार मोहसिनपुरा निवासी रहनुमा की शादी वहीं के रहने वाले अब्दुल कदीर से हुई थी। बाद में अब्दुल कदीर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। रहनुमा ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दहेज प्रताड़ना का उनका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। 22 अगस्त को उनकी पेशी थी, इसलिए रहनुमा अपने भाई रशीद शेख के साथ कोर्ट गई थी। पेशी होने के बाद जैसे ही वह कोर्ट से बाहर आई तो शोहर अब्दुल कदीर ने उसके साथ गाली गलौज की और राजीनामा करने का दबाव बनाया। इस पर रहनुमा ने राजीनामा करने से मना किया तो आरोपी ने 3 बार तलाक बोलकर उसे तलाक दे दिया। फरियादी ने अपने माता पिता को मामले की जानकारी दी और नाहर दरवाजा थाने पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। नाहर दरवाजा पुलिस मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का होने से शून्य पर केस दर्ज प्रकरण सिविल लाइन थाना भेजा। इसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गाली गलौज सहित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धाराओं में केस दर्ज किया। आरोपी की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। क्या है पूरा मामला कि आज आपको आवेदन देने थाने में जाना पड़ा, FIR दर्ज करानी पड़ी? किस मामले को लेकर आप वहाँ गए थे और क्या है पूरा मामला? मेरी शादी अब्दुल कादिर के साथ हुई थी। मुझे शादी के कुछ दिन बाद अच्छा लगा, किंतु दहेज के मांग के कारण मैंने 498 के तहत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। अच्छा, ये पहले प्रताड़ित कर रहे थे कि आपको दहेज के लिए? हाँ, मुझे पहले से ही परेशान कर रहे थे दहेज के लिए। अच्छा, इसके लिए आपकी माता मम्मी पापा से बात करी थी आपने, क्या हुआ? मैंने मम्मी पापा से बात करी तो मम्मी पापा ने फिर 498 के तहत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। तलाक कहाँ दिया उन्होंने? फिर मैं 22 तारीख को तारीख पर गई तो पेशे के बाद मेरे पति मुझे राजीनामे के लिए दबाव बनाने लगे। मैंने राजीनामे के लिए मना कर दिया तो मेरे पति ने न्यायालय परिसर में ही मुझे 3 बार तलाक तलाक बोलकर तलाक दे दिया। ऐसा क्या हुआ कि आपको उनको उन्होंने 3 बार आपको तलाक बोला, कि क्या हुआ था उस समय? समझौता के लिए मेरे पति मुझे दबाव बना रहे थे कि 498 के तहत तो समझौता कर ले, नहीं तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तो मुझे 3 बार तलाक तलाक बोलकर तलाक दे दिया। अच्छा अच्छा, सरकार द्वारा ये कानून बनाया गया 3 तलाक को लेकर, उसको लेकर आप क्या कहोगे, क्या उसमें उसके तहत आप पति को सजा? जो मोदी जी ने कानून बनाया 3 तलाक को, बहुत अच्छा बनाया, उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। सर, एक मामला आया था, क्या है पूरा मामला और क्या पूरी घटना है? कहीं ना कहीं 3 तलाक का मामला रहा है। रहनुमा पति अब्दुल कादिर हैं, मोहसिनपुरा की रहने वाली हैं, देवास की। इनकी 2018 में इनका निकाह हुआ था और शादी के बाद सब कुछ ठीक चलता रहा। उसके घर वाले परेशान कर, इसलिए परेशान करना शुरू किया। बच्ची के जो पीड़िता है उसके माता पिता की जितनी सक्षम जितने हैसियत थी उनको दहेज भी दिया, लेकिन उसके बाद उसको परेशान करते रहे तो उसने 498 का एक मुकदमा दायर कराया था, जो कि देवास के माननीय न्यायालय विचाराधीन था। उसी केस की सुनवाई के लिए जो है ये जब जो फरियादियाँ हैं वहाँ कोर्ट में गई थी तो उन्होंने इस पर एक दबाव बनाया कि भाई सुनो राजीनामा कर लो, और जब रहनुमा ने मना किया मैं इस पर राजीनामा नहीं कर सकता, तो उसके पति हैं अब्दुल कादिर, उन्होंने जो है उसे जो है मौके पर जो कोर्ट न्यायालय परिसर में कहा तलाक तलाक तलाक, ऐसा कहकर उन्होंने जो है तलाक दे दिया। ठीक है, इसके आधार पर जो है हमने जो है इसमें फरियादियाँ की रिपोर्ट प्रकरण पंजीबद्ध किया है और उसकी योजना की जा रही है। सर, इसमें किस धारा के तहत मामला दर्ज हुआ? ये जो नई धारा तलाक कोड, इसमें मामला दर्ज हुआ है? इसमें 294 है और वह अपने क्या होते 4 मुस्लिम महिलाओं के विवाह का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की गई है। सर, उस समय का कोई वीडियो है जिस समय उसने 3 तलाक बोला? नहीं, वो एटेंडम घटना हुई थी, उस समय कोई वीडियो नहीं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।